नहीं बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, बाय नहीं। असाइनमेंट मिल गई है आप सबको? अच्छा चलिए स्टूडेंट्स, चलिए अब इधर देखो, सब इधर देखो एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए हमने बेटा कम टू क्वेश्चन नंबर 12th, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12th, बैक पेज, जल्दी से रीड इट क्विकली। बातें नहीं, ऐसे जिसको मैं बुलाऊंगी वही आएगा। जल्दी से फटाफट आराम से, मेरा मतलब ध्यान से पढ़ो, देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बेटे बिल्कुल ध्यान से, छोटे छोटे बच्चे हो, इतने मुश्किल मुश्किल चीजें डाल दी है ना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे आएगी चीजें, राइट? पैराग्राफ कैसे पढ़ना आएगा? अमायरा की मम्मा को क्या हो रहा है? उन्हें थकावट, टायर्ड वेरी इजिली, थोड़ा सा जो वो मूव करती थी इतना सारा वो वॉक करती थी तो अब वो थक जाती है, उन्हें सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, राइट? तो ब्रेथलेसनेस किस, यस, रोल नंबर 15, 6B, रोल नंबर 15। हाँ जी बेटा, ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं आ रही है, 6B रोल नंबर 15। अगर सांस नहीं आ रही है इसका मतलब किस चीज की कमी है, किस गैस की कमी है बेटा? जोर से माइक उठा के बोलो, कौन सी गैस की कमी? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड? बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी गुड बेटा, बैठो। अब मुझे कौन बताएगा, रेज योर हैंड, कि इन इन अवर बॉडी ऑक्सीजन इज कैरिड टू ईच पार्ट बाय व्हाट? हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करता है? यस, 6B में फर्स्ट बेंच जिसके पास को माइक पड़ा है वो खड़े होके यहीं से बोले। बेटा लंग्स में तो ऑक्सीजन चली गई, उसके बाद हमारे पैरों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंची, किसके थ्रू पहुंची? यस, बाय ब्लड, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ 6A, बेटा ब्लड में RBC है, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है। अब मुझे ये बताना है 6A में स्टूडेंट्स ने कि विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन? यस, गर्ल्स में बेटा, गर्ल्स में फर्स्ट रो में थर्ड बेंच पे एक लड़की बैठी है जिसका हाथ खड़ा है, आगे आ जाओ जल्दी से। यस यस यस, जल्दी से भाग कर, रेड ब्लड। आप भी मुझे वो क्या है जो ऑक्सीजन कैरी करती है, मैंने बताया था आपको,
आप बैठो बेटा, आप बैठो, वेरी गुड। आपने, हाँ बोलो, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, रेड ब्लड सेल्स तो है। आप बैठो, आप बैठो। कौन सा प्रोटीन है, मैंने बताया था आपको, यह सेकंड स्टूडेंट सिक्स है, हीमोग्लोबिन वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो बेटा बैठो, आपने याद रखा। सो हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी विच कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। अब हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, अगर आपने कभी सुना हो कि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, इसको आयरन दो। सो फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एवरीबॉडी विच मिनरल इज रिक्वायर्ड, आयरन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी मींस कमी, यस, सिक्स बी बॉयज फर्स्ट बेंच, पे अटेंशन हियर, बिल्कुल सीधा, थोड़ा सा गैप पे बैठो, एकदम साथ साथ मत बैठो, थोड़ा सा चेयर इधर को करो, जो फर्स्ट बेंच पे सेकंड बॉय है, हाँ यही वाला, थोड़ी सी चेयर उधर को करो। ठंड है ना आज, वैसे तो अच्छा लग रहा है साथ साथ में बैठना, ठीक है। तो हियर, बिल्कुल ध्यान इधर देना है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन चाहिए, इट मींस इफ देयर इज नॉट सफिशियंट आयरन इन अवर बॉडी, अगर जितना हमें आयरन चाहिए वो नहीं है, देन सफिशियंट हीमोग्लोबिन विल नॉट बी फॉर्म। इफ देयर इज नो सफिशियंट, यू नो, हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन सफिशियंट नहीं है, देन सफिशियंट ऑक्सीजन विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू अवर सेल्स। हमारी बॉडी में हर पार्ट को प्रॉपर जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऐसे लगेगा कि सांस जल्दी से लें ताकि ऑक्सीजन मिल जाए, तो ब्रेथलेसनेस, सांस चढ़ जाएगा हमें, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो टायर्डनेस होगी। और इस डिजीज को क्या कहते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज हुआ उसको क्या बोलते हैं, रेज योर हैंड्स, क्या नाम है डिजीज का, एनीमिया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, सुनना है ना, लिख बाद में लेना, बट डिजीज का नाम है एनीमिया। किस कारण है, लैक ऑफ आयरन, ड्यू टू विच क्या हुआ, ध्यान से समझना है बेटा, ड्यू टू विच सफिशियंट एच बी इज नॉट फॉर्म्ड। और सेकेंड है ड्यू टू डेफिशियंसी, डेफिशियंसी का मतलब होता है कमी, डेफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन अवर बॉडी डज नॉट रिसीव सफिशियंट ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर इसके कारण क्या हो जाएगा, टायर्डनेस, और दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस। सांस चढ़ना शुरू हो जाए, ऐसे लगेगा हमें सांस नहीं आ रहा है, ठीक है जी। चलिए अब मुझे, रेज योर हैंड्स, हु विल टेल मी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट द डॉक्टर इज सस्पेक्टिंग, अमायरा की मम्मा को क्या हुआ है, अमायरा की मम्मा को डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड टेस्ट करवाओ, डॉक्टर को क्या लगता है उन्हें कौन सा डिजीज है, रेज योर हैंड्स, यस, उन्हें थकावट हो रही है, उनको सांस चढ़ता है, तो इसका क्या मतलब है, डॉक्टर को क्या फील होता है, यस, सिक्स बी, सिक्स बी में कौन बता रहा है, यस बेटा, सेकंड बेंच पे जो बॉय है, जोर से यही बच्चे बताना, हाँ, एनीमिया, वेरी गुड, बैठो बेटा।
सिक्स बी में स्टूडेंट ने कहा कि डॉक्टर इज सस्पेक्टिंग एनीमिया, जो मैंने आपको बताया है, दिस इज एनीमिया, वेरी गुड। विच मिनरल, ठीक है, अपनी असाइनमेंट में लिख लेना बेटा आंसर, विच मिनरल इज डेफिशिएंट इन द डाइट। सिक्स थे मैम, लास्ट वाले बेंच पे जो लड़के बैठे हैं उनको भेजो किसी को आगे, सिक्स ए में से, सिक्स ए में से भाग कर आ जा बेटा। कि अमायरा की मम्मा को एनीमिया है तो इसका मतलब कौन सा मिनरल डेफिशिएंट है, भाग कर आओ बच्चे भाग कर। आयरन। वेरी गुड, आयरन की कमी है, वेरी गुड। सो आंसर इज विच मिनरल इज डेफिशिएंट इन डाइट, दैट इज आयरन। या आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड विच मेडिसिन, तो हमने हम क्या कहेंगे, आयरन टेबलेट्स या आयरन कैप्सूल्स डॉक्टर है प्रिस्क्राइब, इज इट ओके? राइट, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से 11 वाला भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11, ये बेटा स्टोरी है पुरानी रियल, कि 16th एंड 17th सेंचुरी सेलर्स, सेलर्स का मतलब है जो पानी वाले जहाजों में जाते हैं, राइट, सेलर्स हु वेंट ऑन लॉन्ग वोयेजेस, जो पानी के थ्रू, समुद्र के थ्रू, सीज में, ओशंस में जो है ना, वो कई कई महीनों तक जो है वो जहाज में जाते हैं, सफर्ड फ्रॉम डिजीज एक्स, उनको एक एक्स डिजीज हो गया, एज दे डिड नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स टू ईट ड्यूरिंग देयर वोयेज, है ना, उनके पास स्टोर कई महीनों साल तक चलते हैं, तो उनको इतने बड़े समुद्र में, सी में, उनको कहाँ से फ्रेश फ्रूट्स मिलेंगे, तो जो कोल्ड स्टोरेज वाले फ्रूट्स है वो खाते थे या खाते ही नहीं थे फ्रूट्स। इन द ईयर 17 ए डॉक्टर नेम्ड जेम्स लिन डिस्कवर्ड दैट इफ दीज सेलर्स वर गिवन लेमन्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है, जो खट्टे हैं थोड़े से, लेमन्स एंड ऑरेंजेस, द डिजीज वॉज क्योर्ड वेरी क्विकली, दिस लेड टू द डिस्कवरी दैट एक्स इज ए डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वाई, ठीक है। तो बेटा पहली बात तो, क्योंकि वो कैसे ठीक हुए, नींबू, ऑरेंज, मौसमी, आंवला, ये खाने से वो डिजीज ठीक हो गया। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इन जो ये खट्टे फ्रूट्स है, सार फ्रूट्स है, इनमें कौन सा विटामिन होता है, रेज योर हैंड्स, एनीबडी एल्स, सबको आना चाहिए बेटा, यस मैम, सिक्स बी में से किसी को भेजो मैम, विटामिन विटामिन सी, बिल्कुल ठीक है, दैट इज, बैठो बेटा, वेरी गुड। सो विटामिन सी की डेफिशिएंसी थी, तो जब उनको ये फ्रूट्स मिले तो उनकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी खत्म हो गई, और कौन सा डिजीज होगा ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, स्कर्वी, राइट। तो विटामिन सी से कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी, और स्कर्वी में क्या है, दैट इज मेनली बात आ जाती है ब्लीडिंग गम्स, लो इम्यूनिटी, राइट, दिस इज विटामिन सी। तो बेटा हमारी बैलेंस्ड डाइट में, ध्यान से इधर देखना है आपने, हमारी बैलेंस्ड डाइट में हमें न्यूट्रिएंट्स कौन से चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, राइट। तो हमारे जो है, हमने इस लेवल पे मिनरल्स बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में, बट इस लेवल पे विच मिनरल्स विल यू स्टडी, इट इज आयरन, कैल्शियम, एंड आयोडीन,
फंक्शन क्या है बेटा? आयरन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस हीमोग्लोबिन, HB इज हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, आयरन फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, आयोडीन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। राइट, तो अब इनकी डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी ऑफ, अगर आयरन है देन डिजीज इज, एवरीबडी अभी हमने किया, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो तो कौन सा डिजीज होता है बेटा? जोर से बोलो, सिक्स से इट इज एनीमिया। बिल्कुल ठीक है, इट इज एनीमिया। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन्स वीक हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, इट इज रिकेट्स। और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज इज गोइटर, इट इज गोइटर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन कीजिए, आयरन हमें कौन से फूड्स में से मिलता है? ये हमें मिलता है ग्रीन वेजिटेबल, कॉड लिवर ऑयल, कैल्शियम। कैल्शियम हमें मिल्क, कर्ड, एग, इसमें से ज्यादा मिलता है, और भी कई चीजों से मिलता है। एंड आयोडीन हमें मेनली इससे मिलता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट से। ठीक है, सो वी गेट आयोडीन फ्रॉम आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 करो करो। सेवेंथ एट्थ नाइन्थ, ये तीन क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, फिर हम पूछते हैं। मैं आपको कुछ, लेट मी शो, अगर मैं दिखा पाई तो। बेटा ये देखना है अपने, कैन यू सी कि ये बेटा, ये देखो, ये जो है इधर देख रही हो, ये देख रही हो, आपको पता चल रहा है राइट साइड में आपके, दिस इज थायरॉयड ग्लैंड। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये थायरॉयड ग्लैंड का साइज बहुत बढ़ जाता है। एंड यू कैन सी हियर, ये देख रहे हो, यू कैन सी
इसकी गर्दन कितनी मोटी हो गई है, कैन यू सी दैट? ठीक है, दिस इज गोइटर, ये देखिए, ये थायराइड ग्लैंड है जो हमारी गले में होती है। जब इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें इस तरह से जो है, यू कैन सी दैट, ठीक है, इस तरह से दिस इज गोइटर, राइट। उसके बाद आपको दिखाना है रिकेट्स। कैन यू सी दिस? ये देख रहे हो, टांगे क्या हो जाती है? ये टेढ़ी हो जाती है बेटा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, राइट। यू कैन सी हियर, ये सब नहीं तो ये सीधी होनी चाहिए, बट दीज आर ऑल, है ना, ये इतनी कमजोर हो जाती है कि टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। ये बोन्स मैंने दिखाई आपको, एंड यू कैन सी हियर कि टांगे किस तरह से हो जाती है, ओके। मेनली लेग्स पे जो है वो फर्क पड़ता है, हाथों पे भी फर्क पड़ता है, बट मेनली लेग्स पे जो है वो इट अफेक्ट्स, इज इट ओके? Yes. ठीक है, याद रहेगा रिकेट्स के बारे में, गोइटर के बारे में, ठीक है। अब मैं एक और चीज बताती हूँ और फिर हम सारा कुछ कर लेंगे। अब हमारे पास अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट इज विटामिन्स। ध्यान से देखना है बेटा, हमारे पास टू कैटेगरीज ऑफ विटामिन्स है, कौन कौन सी? वॉटर सोलुबल एंड फैट सोलुबल वाइटमिन। फैट सोलुबल में बेटा कौन से है? वाइटमिन ए, वाइटमिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। आई होप आपके सिलेबस में यही है, कई बार टीचर्स ये भी बता देते हैं, बट दीज टू आर मेन इम्पोर्टेंट, राइट। और उसके बाद वाटर सोल्युबल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। दीज आर द वाइटमिन, है ना, दैट्स वाई हम कहते हैं फैट्स क्यों खाएं, वो तो हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, राइट। बट वाई फैट्स आर इम्पोर्टेंट, यू कैन सी हियर, देयर आर मेनी वाइटमिन जो फैट्स में घुलते हैं, और हमारी बॉडी के ब्लड में फैट्स भी है, तो वो उनमें खुल के इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। सारे एक जगह पे नहीं रहते, हमारी कई जगह पे, एक तो कई जगह चाहिए, तो वो कैसे ट्रांसफर होते हैं? ब्लड के थ्रू, बट ब्लड में तो पानी भी है, फैट्स भी है, तो ये वाले विटामिन जो फैट वाला पोर्शन है उसमें डिजोल्व होते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इज इट ओके। और ये वाटर में घुल के ट्रांसपोर्ट, यू नो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारी वेजिटेबल्स में है। अगर हम वेजिटेबल्स को काट देते हैं और फिर उसको पानी में डाल के रख देते हैं, या पानी में धोते रहते हैं, धोते रहते हैं, मम्मी कहती है इसको अच्छी तरह से धो, और आप क्या अच्छी तरह से क्या होते हैं बेटा, तो जो वाटर सोल्युबल विटामिन है वो सारे उस पानी में आ गए और पानी आपने घेर दिया। कहने को तो आपने कहा हमने तो इतनी ग्रीन वेजिटेबल्स खाई, हमें फिर नहीं विटामिन मिले, है मम्मी बेचारी क्या 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 थक जाती है, वो इन्हें नु इन्ना खिलाने आ, फिर नहीं इन्हें सेहत बांधी, पता नहीं की गल है, ठीक है। तो बट व्हाट है वेजिटेबल जो हम काट देते हैं, ठीक है, जब हम काट के उसको धोते हैं और बहुत ज्यादा धोते हैं, तो क्या होता है उसके विटामिन वो लूज हो जाते हैं, राइट। तो हमें सब्जी को धोना तो चाहिए, बट बहुत पहले ही अच्छी तरह से धो लो, इज इट ओके? यस, ठीक है। और ये तो फैट सोल्युबल है, व्हाई फैट्स आर रिक्वायर्ड, आपसे कोई पूछ ही ले, कोई घर में कह दे कि ऑयल मत फला फला फला, नहीं बेटा, मॉडरेशन हर चीज की, बॉयज सिक्स है, मिडल रो इधर बेटा, इधर इधर, ठीक है, हर चीज मॉडरेशन में बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा खाओगे कि घी पी जाओगे तो वो नुकसान करेगा, अदरवाइज दे आर रिक्वायर्ड, द मेन फंक्शन ऑफ फैट्स टू ट्रांसपोर्ट फैट सोल्युबल विटामिन, ठीक है। अब हम इनके थोड़े से फंक्शंस कर लें, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे फंक्शंस है, बट मेन फंक्शन हम कहते हैं हेल्थ ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ना हम खाएं
तो हमारी बॉडी में पेन्स होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन मैसेज नहीं भेज रहा उनको, वो कंफ्यूज हो गया है, राइट? बॉडी में पेन्स है, मेंटल कंफ्यूजन्स है, ठीक है? इसलिए इतनी पढ़ाई करते हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर, मतलब नॉट कैप्सूल्स बट टेक रॉ वेजिटेबल्स, टेक ग्रीन वेजिटेबल्स, नेचर से मिल रहा है। विटामिन सी, यू नो एज आई हैड टोल्ड यू, फॉर हेल्दी हेल्दी गम्स एंड इम्यून सिस्टम, जो हमारे डिजीजेस से लड़ता है ना? जब कोविड हुआ था तो हमने, इफ मतलब उस साइड आपकी साइड ज्यादा था या नहीं, बट चंडीगढ़ में तो था भी बहुत और लोग डरे भी बहुत हुए थे, तो एक टेबलेट होती है लिमसी, लिमसी लोगों ने बहुत खाई, ठीक है जी? तो ये था जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है जी? उसके बाद आ जाता है विटामिन ए। विटामिन ए हेल्प्स इन प्रॉपर आईसाइट। किसी की आईसाइट वीक हो जाती है तो डॉक्टर उसको क्या कहता है सबसे पहले, कि इसको गाजर का जूस पिलाओ, बहुत सारे टमाटर खाए, अनार खाए, विटामिन ए है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो जनरली लोगों को क्या है, रात में अंधेरे में क्लियरली नहीं दिखाई देता, नाइट ब्लाइंडनेस। इज इट ओके? सिक्स्थ बी ओके, ठीक है? नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट मीन अंधेरा, ब्लाइंडनेस मीन दिखता नहीं है, ठीक? लाइक कैल्शियम, इट इज फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, ठीक है? ये कैल्शियम, जैसे कैल्शियम का काम है ऐसे ही विटामिन डी का काम है। एंड यू नो मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट में, जरूर बैठो, है ना? गर्मियों में भी, बहुत गर्मी हो, बहुत धूप है, बट ऐसा नहीं कि अंदर एसी में सब बैठे रहो, नहीं, कुछ देर धूप में भी बैठना चाहिए, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, है ना? आपने देखा है ना कि जब बच्चा पैदा होता है, जब न्यू बॉर्न है, तो मम्मियां क्या करती है, आपने घरों में देखा होगा पड़ोस में, उनकी अच्छी तरह ऑयल से मसाज करती है और उन्हें धूप में लिटा देती है ना? उन्हें लगता है कि दिस मेक्स देयर बोन स्ट्रॉन्ग, उन्हें नहीं पता कि विटामिन डी बन रहा है, बट ये हमारे कल्चर का पार्ट है, ये हमें पता है कि धूप में छोटे बच्चे को लिटाने से उसकी बोन स्ट्रॉन्ग बनती है, विटामिन डी मिलता है, ठीक है? और विटामिन ई के का, इफ यू, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, एंड विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कई डिजीजेस है, सच एज बेरी बेरी, पेलाग्रा, ये सब विटामिन बी की डेफिशिएंसी। इज इट ओके? यस। चलिए जी, अब हम, सो वन मोर थिंग, दैट अनदर इज रफेज। रफेज क्या है? रफेज को कॉमनली हम बोलते हैं फाइबर। बेटा अगर हम किसी भी सब्जी का, लेट अस से हमने घिया का जूस निकाला, इसके नहीं, दैट आर फाइबर्स, हम ऑरेंज का जूस निकालते हैं, बट जो बच जाता है पीछे, जूस तो हमने पी लिया, जो बच गया सॉलिड, दैट इज रफेज, दैट आर फाइबर्स। तो किसी भी निकालेंगे तो जो बीच में, जूसेस आर द फ्लूइड पोर्शन, जो सॉलिड पोर्शन बच जाता है, दैट आर फाइबर्स। तो बेटा मुझे ये बताइए कि जब भी हम कच्ची सब्जियां खाएंगे, कच्चे फ्रूट्स खाएंगे, तो उसमें जूस के साथ क्या फाइबर्स जाएंगे हमारे अंदर और नॉट? हमने रॉ कुकम्बर या हमने खीरा खाया, तो डज इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स ऑल्सो, यस और नो? हाँ जी, सिक्स थे। जब भी हम कच्ची सब्जियां खाएंगे, हमारे अंदर गया कि नहीं गया, बोल नहीं रहे? सिक्स भी, सीधे होके बैठो बेटा, ऐसे ऐसे तो सो जाओगे, सीधे होके बैठो एवरीबडी। जब हम देखो, जूस तो जब नहीं आता तब फाइबर हम घेर देते हैं, पर जब हम कच्ची सब्जियां खाते हैं, रॉ वेजिटेबल, रॉ फ्रूट्स, जूसेस नहीं, तो जूस के साथ साथ फाइबर्स भी अंदर गए, राइट? तो होल, रॉ मतलब कच्ची, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोवाइड्स जूस एज वेल एज रफेज। हम कहें कि हम क्यों रफेज खाएं, हर चीज का जूस निकाले और पी ले, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रफेज? सबसे पहले तो इट फिल्स अवर स्टमक। बेटा आपने देखा भी होगा, जूसेस पी लो, थोड़ी देर बाद मम्मी को कहते हो, मम्मा रोटी बना दो, भूख लगी है। मम्मी कहती है अभी तो जूस पिया था, 2 गिलास पी लो, हर 15-20 मिनट, उसके आधे घंटे बाद कहोगे भूख लगी है। और ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती, लगती है, क्योंकि वो जो स्टमक में फिल वाली जो है, कि भी अब पेट हमारा भर गया है, वो किसकी वजह से है? वो रफेज की वजह से, ये हमें फीलिंग देता है। सेकंड है, इट प्रिवेंट्स
कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होता है पोटी नहीं आ रही है, ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। हमारा स्टमक में जो है अफारा हो जाता है, टाइट हो जाता है, पोटी ना आए तो। बट अगर हम कच्चे फ्रूट्स नहीं करता, हमारा पेट साफ रहेगा, इज इट ओके? तो किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो घर में, आप तो बच्चे हो, किसी को नहीं होगी, घर में हो तो उन्हें कहो कच्ची चीजें खाना शुरू करें, तो उससे रफेज हमारे ब्लड में जाता ही नहीं है, वो तो मुंह से खाया और पॉटी में निकल गया, ठीक है, उसकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, कोई एनर्जी, कोई बॉडी बिल्डिंग कुछ भी नहीं है, बट क्या फायदा है उसका? इट फिल्स अवर स्टमक एंड सर नो यस। चलिए जी, अब 10 मिनट है, फटाफट से ये सारे क्वेश्चंस कर लो एवरीबॉडी। जल्दी से एवरीबॉडी, फटाफट से ऑल क्वेश्चंस। बेटा इसका आंसर देख लो, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी, बट सबसे पहले तो विटामिन सी तो आंवला है ही है। आंवला जो है बेटा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जैसे ऐसे विटामिन सी का रिच सोर्स है आंवला, ठीक है, बट रिमेम्बर दैट कि जो उसके बाद नींबू, मौसमी, ये सब है, बट विटामिन सी को अगर हम हीट करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए नींबू पानी को कभी हम हीट नहीं करते हैं। गुस्सा सही करो, बहुत ज्यादा हीट मत करो, बट पानी पहले गर्म करके नींबू उसके बाद डालो, ठीक है। सो विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, ठीक है जी। उसके बाद विटामिन ए मैंगो से, येलो एंड रेड चीजों से विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी व्हीट से, सनलाइट। तो ये मैचिंग कर लो, बट आपकी मैम ने विटामिन सी का सोर्स जरूर पूछना है कि रिचेस्ट सोर्स क्या होता है, आंवला। रोल नंबर 28, 6B। आ जाओ बेटा, अपनी असाइनमेंट लेकर आना बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन रोल नंबर 27, 6A से पूछना है, तैयार रहे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड रफेज, मिनरल्स भी मिलते हैं उससे कि नहीं? आयरन, एप्पल में आयरन बहुत होता है, ठीक है, तो मिनरल्स भी मिलते हैं और विटामिन्स भी मिलते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है बेटा? ऑल ऑफ द अबव, राइट, ठीक है, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बैठो बेटा, यस, क्वेश्चन नंबर 27, आ जाओ बच्चे। एम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, कौन सा विटामिन है बेटा? जोर से बोलो जरा, मैं हाँ जी बेटा, रोल नंबर 27, बेटा आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। हाँ, बोल कौन सा एम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, कौन सा विटामिन? ए बी सी डी, कौन सा विटामिन है? मैम चेक करें जरा, इनकी आवाज नहीं आ रही मुझे। रही विटामिन डी, हाँ बेटा, मैम की इतनी अच्छी आवाज आ रही है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। विटामिन डी, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड बताइए, सेकंड जल्दी से। एन इज ए मिनरल डेफिशिएंसी दैट कॉजेस स्पाज्म, जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, एंग्जाइटी कर, नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, रिमेम्बर। बैठो, आप बैठो, आप बैठो, यस, 6B में से कोई आंसर देगा। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर अवर नर्वस सिस्टम, ब्रेन के लिए? यस, 6A बेटा, थर्ड सेकंड बेंच पे जो बॉय आगे आके बोलो बेटा,
जिसका हाथ खड़ा है, जोर से बोलना ताकि। विटामिन बेटा विटामिन सी तो गम्स के लिए है, ब्रेन के लिए कौन सा है? बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अगर आपने बी ही बोला है, आई डोंट नो, इट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा। बैठो बेटा, वेरी गुड। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ए आंखों के लिए, बी नर्वस सिस्टम के लिए, सी गम्स के लिए, डी बोन्स के लिए। चार तो विटामिन है, ए किसके लिए? सारे एवरीबॉडी, आईज के लिए, बी ब्रेन के लिए, बी बी से याद रहेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ब्रेन याद रहेगा। अब सी गम्स और डी बोन्स, ए किसके लिए? सब एक्शन करके बताओ, ए किसके लिए है? आईज के लिए। बी किसके लिए है? ब्रेन के लिए है। सी किसके लिए है? बोन्स के लिए है। और डी किसके लिए है? बोन्स के लिए है, याद रहेगा। हाँ, तो एंजाइटी, एंजाइटी होता है, हाय हमारा दिमाग खराब हो रहा है, क्या करें, हाय कल पेपर है, नींद नहीं आ रही है, क्या करें, ठीक है, तो वो दिमाग खराब हो रहा है हमारा, दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड। कॉड लिवर ऑयल इज ए गुड सोर्स ऑफ बोथ एल एंड ओ। एक मैंने क्या बताया था अभी आपको, विटामिन डी के लिए, राइट, कॉड लिवर ऑयल जो है, इट इज विटामिन ए एंड डी, ए एंड डी, कॉड लिवर ऑयल जो है ए के लिए एंड डी के लिए, डॉग वाला डी। ओ इज सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी बाय बैक्टीरिया, ये चलो छोड़ दो, ये वाला फोर्थ वाला छोड़ दो, क्लॉटी। वैसे ये विटामिन के है, इसका आंसर तो चाहे लिख लो विटामिन के, बट क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने कहा छोड़ दीजिए। यस, 23 रोल नंबर 6B। ट्वेंटी थ्री रोल नंबर, कम फॉरवर्ड क्विकली, असाइनमेंट लाए हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और 23 6A अगला क्वेश्चन ध्यान करो बेटा। हाँ जी बेटा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक नहीं है, कुकिंग मेक्स फूड फ्री ऑफ जर्म्स, करेक्ट की इनकरेक्ट, जोर से बोलो बेटा। 6B करेक्ट करेक्ट है बेटा, ये रॉ वेजिटेबल्स आर रिच इन रफेज, करेक्ट की इनकरेक्ट? करेक्ट है, वेरी गुड। चिल्ड्रन नीड मोर फूड एज दे ग्रो वेरी फास्ट, करेक्ट और नॉट इनकरेक्ट? बेटा ये भी करेक्ट है, उनको भी ज्यादा खाना चाहिए। डी देखिए, ओवर ईटिंग मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्गर टू फाइट डिजीजेस, करेक्ट की इनकरेक्ट? बेटा ये इनकरेक्ट है, ओवर ईटिंग तो जरूरी नहीं है, राइट, दिस इज फॉल्स, ठीक है। ओवर ईटिंग से हम कोई स्ट्रांग नहीं बनते, बट हम मोटे हो जाएंगे, जब मोटे हो जाएंगे तो हमारे को बीमारियां घेरेगी, ठीक है। तो इसलिए बैठो बेटा, कि व्हेन माय डॉटर वाज एट योर एज, तो मैं, है ना, सभी बच्चों को पिज्जा बर्गर्स और कुछ जो है अच्छा लगता था, तो आई ऑलवेज यूज टू से कि जब भी आप खा रहे हो, खाते खाते तो पता नहीं चलता बैठे बैठे, तो बेटा थोड़ा टाइम बाद खड़े होके देखा करो कि क्या मेरा पेट पूरा भर गया है, नहीं तो उसके बाद खाते रहते, उसके बाद जब खड़े होते हो तो आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता। कभी एक्सपीरियंस किया है ये आपने, है ना? ऐसा तो हमेशा बेटा अपने डाइट पे खुद कंट्रोल करना, ठीक है जी। 23 6B, आ जाओ आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स ए में से 23 रोल नंबर, 24 आ जाओ जल्दी से, ओजोन
Bojo's mother advised him to wash fruits before cutting and peeling. Further, she also advised that wash only once, properly with little water. The main thought behind this suggestion is, main thought kya tha beta? Conservation of water, yeah, so that water soluble vitamins and minerals are not lost. Excess washing causes rotting of fruits. Yeah, fruits do not require washing. मदर ने क्यों कहा? दोबारा से जोर से बोलो. मैम इसने क्या बताया? ऑप्शन नंबर डी. नहीं बेटे, फ्रूट्स डू नॉट, ऐसे ही खा जाते हो, सेब ऐसे ही खा जाते हो, मम्मी कहती नहीं कि धो के खाओ. बेटा सुना करो, सुना करो, फिर कैसे याद रहेगा? सोचो थोड़ा सा, फिर बताओ जल्दी से, 5 मिनट रह गया, फटाफट. इट इज बीटा है बेटा. वैसे तो पता नहीं आपने कौन सा आंसर बोला, आई डोंट नो कि इसका आंसर है बी, कि उसको छील के और बहुत ज्यादा धोने से उसके विटामिन्स और मिनरल्स पानी में धुल जाएंगे, फिर हमें न्यूट्रिशन तो कोई मिली नहीं. ठीक है बेटा, ठीक है, तो इसका आंसर है बी, बीटा, बॉम्बे वाला बी. ठीक है, बैठो बेटा. करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सी है? सब बोलिए, 6th बी. आंसर इज ए, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस गोइटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, रोल नंबर 15, रोल नंबर 15, 6th बी. असाइनमेंट लेकर आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8. यस, सोडियम बेरी बेरी, ये गलत है. वेरी गुड बेटा, बैठो. बेरी बेरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कारण होता है. ठीक है, यहाँ पे लिख लो आगे कि दिस इज रॉन्ग बिकॉज बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताऊं. कैन यू सी दिस? बच्चे देख रहे हो? जिनका पेट फूला हुआ है, बाकी कमजोर है ये, बट पेट उनका फूला हुआ है. सो दिस इज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी. और डिजीज क्या है? क्वाशियोर्कर. तो यहाँ पे क्या है, क्या कौन से सिम्टम्स दिए? ओडिमा ऑफ लेग्स एंड पॉट बेली. लेग्स की स्वेलिंग है, पॉट बेली, ये जैसे मटका सा पेट दिख रहा है, दिस इज पॉट बेली. उसके बाद है डायरिया. डायरिया मीन्स लूज मोशन, पैचेस ऑन द स्किन एंड इरिटेबिलिटी, दैट इज क्वाशियोर्कर. मेन तो जो है वो है पॉट बेली. ठीक है, पता चल गया पॉट बेली का? ठीक है, तो दैट इज आंसर इज ए, कि इसको क्या, पॉट बेली किसका सिम्टम है? दैट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी. और डिजीज कौन सा है? क्वाशियोर्कर. क्वेश्चन नंबर 10 कौन बता रहा है? रेज योर हैंड्स. सिक्स ए में से, यस, रेज योर हैंड्स, कम फॉरवर्ड. बेटा पिलेग्रा विटामिन बी की डेफिशिएंसी से है, सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? वही ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है.
नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है बेटा? बोलो बोलो, वेरी गुड। सिक्स बी, विटामिन ए, वेरी गुड। सनलाइट की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? सिक्स से, जोर से बोलो। यस, कौन सा डिजीज है? लाउडली मैम रिकेट्स। वेरी गुड, रिकेट्स। देखो यहीं से ही आवाज आती है, बस जोर से बोलना है आपको। रिकेट्स, वेरी गुड। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? सिक्स बी, इट इज स्कर्वी। ठीक है, इट्स स्कर्वी। अब ये कीजिए रीजन असर्शन, लास्ट रह गए चार, फटाफट से 5 मिनट में देती हूँ, करने की कोशिश करो। देखो रीजन असर्शन आपको पता है, चार ऑप्शंस है, ऊपर दी हुई है ए बी सी डी, कि दोनों स्टेटमेंट असर्शन और रीजन की करेक्ट है, और रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ऑप्शन बी है कि दोनों के स्टेटमेंट्स करेक्ट है बट दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन सी है कि असर्शन की स्टेटमेंट ठीक है, रीजन की फॉल्स है, और ऑप्शन डी है असर्शन की स्टेटमेंट फॉल्स है, रीजन की ठीक है। करो ये, फिर हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, कौन बता रहा है बेटा मुझे? फर्स्ट असर्शन रीजन, रेज योर हैंड, नहीं तो मैं रोल नंबर से बुलाऊंगी फिर। द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इन फूड इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, मैं चलो सबको बताती हूँ, ये ट्रू है कि फॉल्स है? जो ट्रू कहता है वो रेज योर हैंड। आयोडाइज्ड सॉल्ट हमारी बैलेंस्ड डाइट का पार्ट है, क्या ये गलत है या सही है? जो सही कह रहा है इसको रेज योर हैंड। इसी को नहीं, ये फॉल्स है मतलब? ट्रू है बेटा, एवरीबडी शुड नो आयोडीन हमारी बैलेंस्ड डाइट का पार्ट है। मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब बैलेंस्ड डाइट का पार्ट है। ठीक है, ये ट्रू है। आयोडीन हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो ये क्यों ट्रू है? आयोडीन क्यों हमारी बैलेंस डाइट में होना चाहिए? इज दिस रीजन ट्रू, यस और नो? रेज योर हैंड। बाबू ट्रू है कि फॉल्स है? कोई नहीं बोल रहा बेटा, क्या बात हो गई, जोर से बोलो। ट्रू है ये, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि उसने कहा, असर्शन में कहा कि आयोडाइज्ड सॉल्ट जिसमें आयोडीन है, इट इज द पार्ट ऑफ अवर बैलेंस डाइट, ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आयोडीन जो है वो हमारी थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखता है। सो आंसर इज ए, एवरीबडी, है ना? ध्यान से सुनो, अगर नहीं आता तो सुनो, समझो, करो। पीपल लिविंग इन कोल्ड एंड क्लाउडी क्लाइमेट्स जनरली सफर फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, ट्रू और फॉल्स? सिक्स ए, बिल्कुल जहां पे सनलाइट नहीं होती वहां पे लोगों में विटामिन डी कम हो जाता है, ठीक है कि गलत है? यस, ट्रू है ये। सिक्स बी ने अब अगला बताना है, रीजन है टूथ डिके इज ए कॉमन पीपल्स इज कॉमन इन पीपल सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, इज इट राइट और नॉट? ये भी ट्रू है बट बेटा दोनों का ये रीजन नहीं है। रीजन क्या होता तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। ठीक है, रीजन ए कब होता? ध्यान से इधर सुनो, ध्यान से इधर, ए कब होता अगर ऑप्शन ए, रीजन क्या होता? रीजन ये होता है कि विटामिन डी इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो तब हम ऑप्शन ए करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बी है। रफेज मेंटेन्स गुड हेल्थ ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता रफेज। ट्रू
ट्रू और फॉल्स, सिक्स्थ बी, ट्रू. रफेज हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लशिंग ऑफ वाटर. ट्रू की फॉल्स, सिक्स ए, ये फॉल्स है बेटा. तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स तो आएगा. आंसर ए बी सी डी कौन सा आएगा? असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, क्या ऑप्शन आएगी? सी ऑप्शन आएगी. वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड लास्ट क्वेश्चन, आयरन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड. सिक्स ए, ट्रू की फॉल्स? ट्रू. वेरी गुड. लैक ऑफ आयरन कॉजेज बेरी बेरी. सिक्स बी, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स है. तो ऑप्शन क्या आ जाएगी? ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन आएगी? बी नहीं आएगी बेटा, सी आएगी. असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है. ओके ठीक है जी. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. तो अब मुझे ये बताइए, आपने सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल शुरू कर दी है क्लास में? यस. ओके टीचर, सो प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट कि भी जो ये रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं, अगर हो सके तो आप क्लास में एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करवाएं, क्योंकि अभी बच्चे हैं छोटे तो इन्हें अभी नहीं पता चलता. ओके से पूछना है अगली बार. ओके चलिए जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे. अभी आपके पास 5 मिनट है, एंजॉय कीजिए, शोर मत करना. एंड ओके बाय बाय. ये तुम्हारी आवाज बड़ी जल्दी निकलती है, कितनी आती है, आंसर नहीं देते हो जल्दी से. ठीक है चलो, ओके बेटा, बाय बाय. बाय.